हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम जी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा आरआरसी मुंबई जोन सेंट्रल रेलवे के अंदर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट हो रहा है उसकी पूरी अपडेट दूंगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड, जिस कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिया है उनका जो रिपोर्टिंग टाइम था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 21 तारीख को सुबह 9 बजे का था और उनका रिपोर्टिंग के साथ ही जो है उनको सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया जो 3 पेज का था, जिसके अंदर एक पेज के अंदर आपको आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और एक पैराग्राफ दिया होगा वो लिखना था आपके हैंड राइटिंग में और फोटो चिपकाने के थे। उसके बाद वाले पेज पर जो है आपको आपका थंब इम्प्रेशन लगाना था, ऐसा कैंडिडेट का कहना है। उसके बाद जो है आपका बायोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। बायोमेट्रिक जो है वो 2 बार लिया जाएगा, जिसके अंदर आपका एक CBT 1 का मैच किया जाएगा, उसके बाद PET का मैच किया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी DV प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे जो DV स्पॉट है आपका, वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो बिल्कुल ही सपोर्टिंग स्टाफ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। साथ ही के अंदर आपने जो 2019 के अंदर फॉर्म फिलअप किया था तो जो आपने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला था 10th 12th ग्रेजुएशन, तो वो सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी रहेगी और उनके जो है सारे के 2 सेट आपको जेरोक्स लेकर जाने रहेंगे, बिकॉज जो आपने डाला होगा वहाँ पे सब वो चेक करेंगे। इसके बाद जो है आपका सबसे पहले जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चेक किया जाएगी। अगर आपने फॉर्म भरते समय 12th डाला है तो 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चेक किया जाएगा और ग्रेजुएशन भी डाला है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था रेलवे का वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाना रहेगा। इसके बाद जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक किया जाएगा, जिसकी जेरोक्स आपको साथ में लेकर जानी रहेगी और टोटल जो है 10 फोटो आपको लेकर जाने रहेंगे। 10 से अधिक फ़ोटो लेकर जाइएगा, बिकॉज 10 फोटो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप 10 से ज़्यादा फ़ोटो लेकर जाइएगा। इतना होने के बाद जो है कैंडिडेट को 24 रुपये की एक टिकट लेने के लिए स्टेशन भेजा था। जब वो वहाँ से टिकट लेकर आएंगे तो उसके बाद वो टिकट लेने के बाद आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा और जहाँ पे कैंडिडेट का DV था यानी सोलापुर के अंदर कैंडिडेट का DV था तो सोलापुर के अंदर ही आपको जो है मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो दूसरे दिन यानी आज की तारीख के अंदर कैंडिडेट का मेडिकल था तो इनकी जो मेडिकल में रिपोर्टिंग थी वो सुबह 8 बजे की रिपोर्टिंग थी। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद जो है इनको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसके बाद जो है पूछा जाएगा कि आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या नहीं, कोई पुरानी चोट है या नहीं, ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो है इनको यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। यूरिन टेस्ट होने के बाद जो है इनका ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ और ब्लड प्रेशर टेस्ट होने के बाद ECG टेस्ट लिया गया था। ECG टेस्ट के बाद जो है एक्सरे के लिए कैंडिडेट को आगे भेज दिया। ये जो सारी प्रोसेस थी 4 टेस्ट की, यूरिन टेस्ट, BP टेस्ट, ECG टेस्ट और एक्सरे टेस्ट की, ये लगभग 12:15 बजे के आसपास ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है 12:30 के आसपास इनका आई टेस्ट की प्रोसेस स्टार्ट की गई। आई टेस्ट के अंदर जो है सबसे पहले लेसिक के लिए कैंडिडेट का लेसिक टेस्ट किया गया, जिसके अंदर एक दूरबीन टाइप मशीन होगी जिसके अंदर आपको आपकी दाढ़ी रखनी है और लाइट मार के जो है डॉक्टर आपकी एक एक आँख चेक कर लेंगे कि आपने लेसिक किया है या नहीं। उसके बाद जो है रेड, ग्रीन, येल्लो और वाइट लाइट कैंडिडेट को बताई गई थी और उसके बाद जो है डार्क रूम के अंदर सेम लाइट यही बताई थी, वहाँ पे डॉक्टर फ्लिप कर रहे थे और आपको बताना कि डॉट डॉट लाइन कौन सी है, रेड कभी आएगी, कभी ग्रीन आएगी, कभी येलो आएगी, इस प्रकार से आपको वहाँ देखकर बताना रहेगा। उसके बाद जो है आई का जो है डिस्टेंस विजन चेक किया गया, जिसके अंदर आपको जो है सी चार्ट पढ़ाया गया कि सी का फेस कहाँ से ओपन है, ऊपर से, नीचे से, दाएँ बाएँ कहाँ से ओपन है, वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद जिस कैंडिडेट के अगर चश्मे है तो वो चश्मे के नंबर की स्लिप लेकर जाइएगा, बिकॉज आप नहीं लेकर जाओगे तो वहाँ डॉक्टर आपको चश्मे की स्लिप के लिए भेज देंगे, जिससे आपका 1 दिन का लॉस हो सकता है। यानी चश्मे वाले कैंडिडेट का लगभग 3 दिन लग रहा है और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका 2 दिन में ही DV और मेडिकल हो जा रहा है। इतना होने के बाद जो है कैंडिडेट को कान का भी चेक किया गया था नॉर्मली और उसके बाद उठक बैठक कराई गई और चलकर बताना था। और उसके बाद जो हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ, जिसके अंदर आपको सारे कपड़े उतार देने थे और डॉक्टर बोल रहे थे खास हो तो उस प्रकार से आपको खांसना था। और लास्ट के अंदर आपको जो एक रजिस्टर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको सिग्नेचर करने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी DV और मेडिकल की प्रोसेस RRC मुंबई सेंट्रल रेलवे के अंदर जो कैंडिडेट का हुआ है सोलापुर के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल MG Star Education को, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा
ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।